दीपिका कक्कड़ टीवी इंडस्ट्री की लोकप्रिय एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं, लेकिन वह इन दिनों एक्टिंग से कुछ दूर चल रही हैं। दीपिका इन दिनों अपना पूरा समय अपने पति, बच्चे और परिवार को दे रही हैं। मगर दीपिका अपने फैंस से जुड़े रहने का भी कोई मौका नहीं छोड़ती। एक्ट्रेस भले लंबे समय से किसी सीरियल में नजर नहीं आई है, लेकिन वह अपने यूट्यूब ब्लॉग्स के जरिए फैंस से जुड़ी रहती है। दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने 2010 में अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी मिली ससुराल सिमर का से। इसी धारावाहिक के साथ उनकी और शोएब की लव स्टोरी भी शुरू हुई थी। कम ही लोगों को पता है कि शोएब दीपिका के दूसरे पति हैं। इससे पहले एक्ट्रेस ने रौनक सैमसन से शादी की थी। जब दीपिका एयर होस्टेस की नौकरी कर रही थी, तभी उनकी मुलाकात रौनक सैमसन से हुई और कुछ समय डेटिंग के बाद दोनों ने 2011 शादी कर ली। लेकिन दोनों की शादी लंबे समय तक नहीं टिक पाई और दोनों ने 2015 में तलाक ले लिया। इसके बाद दीपिका की जिंदगी में शोएब की एंट्री हुई। दीपिका और शोएब ससुराल सिमर का में मिले और एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। 2018 में दीपिका ने शोएब से शादी के लिए इस्लाम कबूल किया और दीपिका से फाइजा बन गयी। फिर उन्होंने शोएब से निकाह किया। हालांकि आज भी उन्हें दीपिका के नाम से ही जाना जाता है। इस शादी को लेकर दीपिका को काफी ट्रोल भी किया गया। अब दीपिका लंबे समय से टीवी स्क्रीन से गायब है। खासकर बेटे रुहान के जन्म के बाद वह सिर्फ अपने परिवार पर फोकस कर रही हैं और अपने YouTube चैनल के जरिए फैंस से जुड़ी रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।